नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी की बागपत जेल में बंद माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर यूपी में हड़कंप है। मुन्ना बजरंगी को कोर्ट में पेशी के लिए झांसी से बागपत लाया गया था। यहाँ इसी जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी पर 10 गोलियां बरसा दी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुनील राठी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मुन्ना ने उसके लुक पर कमेंट किया था, जिससे वो भड़क गया है। सुनील राठी ने पुलिस को बताया था कि जेल में टहलने के दौरान मुन्ना बजरंगी से उसका सामना हुआ। सुनील के मुताबिक उसी समय मुन्ना बजरंगी ने उसे मोटा कहा और मजाक उड़ाया। सुनील ने पुलिस को बताया कि टहलने के समय मुन्ना बजरंगी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने बजरंगी से कहा कि पहले अपनी स्थिति सुधारो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सुनील ने बताया कि थोड़ी ही देर में मुन्ना ने मुझ पर पिस्तौल तान दी। मैंने बंदूक खींच ली और उसे लात मार कर गिरा दिया। जैसे ही वो गिरा, मैंने बंदूक की पूरी गोली उस पर खाली कर दी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के पीछे ये मामूली वजह और पुलिसिया थ्योरी को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। खुद बड़े पुलिस अधिकारी इस बात को समझ नहीं पा रहे। घटना की जांच कर रहे एक आला अधिकारी ने बताया कि बागपत जेल में मुन्ना से ज्यादा सुनील राठी के लिए परेशानी थी। दूसरे गवाहों ने बताया कि सुनील ने एकांत सेल के बाहर बने गार्डन में टहलते हुए बिना वजह खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं एक पुलिस अफसर ने बजरंगी की हत्या पूर्व नियोजित होने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि वो पहले से ही हत्या का दोषी था। राठी ने उसकी खोपड़ी पर सारी गोलियां खाली कर दी, ये पक्का करने के लिए कि वो किसी भी तरह जिंदा ना बचे। ऐसा लग रहा है कि मुन्ना बजरंगी के बागपत जेल आने का इंतजार किया जा रहा था। उधर स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मुन्ना के शरीर में कोई भी गोली नहीं मिली। सारी गोलियां उसके शरीर को छेदते हुए बाहर निकल गई हैं। इससे ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि कुल कितनी गोलियां लगी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।